हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टैली के एक और लेटेस्ट और एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपने सेल्स के वाउचर में दो एक्स्ट्रा कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। इन कॉलम्स में आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग कुछ भी एंट्रीज कर सकते हैं, उनके कुछ भी हेडिंग या टाइटल लिख सकते हैं। तो वही देखते हैं टैली की कौन सी एडवांस टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे टैली की एक एडवांस और लेटेस्ट टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपने सेल्स के इनवॉइस में दो एक्स्ट्रा कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं और उन कॉलम्स में आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई भी एंट्रीज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यह हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है क्रिएट एडिशनल कॉलम इन इनवॉइस। इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड करने के लिए सिंपल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके आप यहां से इसके फुल नेम को कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आप दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पे आ जाएंगे और यहां से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर्स के अंदर आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर्स के अंदर आने के बाद राइट साइड में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा मैनेज लोकल टीडीएल, या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है F4। इस पर क्लिक करते हैं आप टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लोड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इस पर यस कर दीजिए और सेकंड ऑप्शन में आपको इस टीडीएल फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन आप सिंपल इस टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते देखेंगे कि यहाँ पर हमारी टीडीएल फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। वही देखते हैं टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब इस टीडीएल फाइल का वर्क देखने के लिए हमें दोबारा से एक सेल्स के वाउचर में आना होगा। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से A टाइप कर दीजिए, जिससे आप अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाएंगे और यहां से सेल्स के लिए F8 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे जैसे आप सेल्स के वाउचर में आएंगे यहाँ पर हमारे को यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है Blank 1 और दूसरा Blank 2। आप चाहे तो इसका नाम चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मोबाइल कंपनी का एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पर इन कॉलम्स के अंदर कुछ एंट्रीज करेंगे। तो आइए देखते हैं आप किस तरह से इस नेम को चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप दोबारा से टीडीएल फाइल पर आ जाइए और जहाँ पे आपकी टीडीएल फाइल है इस पर डबल क्लिक करते हुए इसको ओपन कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमें Blank 1 और Blank 2 दो कॉलम शो हो रहे हैं। इसकी जगह पे हम यहाँ पे कुछ नाम शो कर देते हैं। तो क्योंकि हम मोबाइल कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मोबाइल्स के अंदर सबसे ज़रूरी होते हैं IMEI नंबर, तो एक हम ले लेते हैं IMEI नंबर एंड दूसरा हम ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम, ताकि कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। देन इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो इसको सेव करते हैं, अब दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए दोबारा से F12 की प्रेस कर दीजिए, प्रोडक्ट एंड फीचर्स के अंदर आ जाइए, मैनेज लोकल TDL एंड इसको एंटर करते हुए सिंपल एक बार रिफ्रेश करा दीजिए। तो यहाँ पर हमारी TDL फाइल रिफ्रेश हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब हमारे नेम चेंज हुए कि नहीं। दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर्स और सेल्स के वाउचर में हम देखेंगे हमें यहाँ पे शो हो रहा है एक हमारा IMEI नंबर और दूसरा हमारा प्रोडक्ट नेम। तो आइए एक सेल की एंट्री को करके देखते हैं। सबसे पहले पार्टी से अकाउंट नेम में एक नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर हम यहाँ पे MI के फ़ोन ले लेते हैं, MI Note 6। इसका EMI नंबर डाल देते हैं। प्रोडक्ट है हमारा MI, क्वान्टिटी हमारी 2 पीस, रेट हमारा 5000 एंड ऑटोमेटिक हमारा CGST AGST कैलकुलेट हो गया। इसको कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो आप पेज अप पीछे देखेंगे कि हमारी ये TDL फाइल सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इस TDL फाइल की मदद से हम टैली के सेल्स वाउचर के अंदर दो अलग नेम को भी ऐड कर सकते हैं या दो अलग कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो इस कॉलम्स को अपने बिजनेस के अनुसार कुछ भी यहाँ पे नाम दे के इसमें एंट्री कर सकते हैं और जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट के अंदर भी आपका इशू होगा।